नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। विकलांग साथी ट्रस्ट के पूरी जानिब से, दिव्यांगम चैनल से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। दोस्तों, वैसे मेरा संडे का आने का टर्न होता है, मैं संडे को आता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिलता है, बहुत अपनापन मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं, जिसकी वजह से मैं संडे को आप आता हूँ और आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, खैर, मैं आज जो बीच में आया हूँ, इसके बीच में आने का कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है कि ईद, आज ईद है, बकरीद है। ईद कहने का मतलब बकरीद है, ईद उल जुहा है, जो कि वाकई में इतिहास से लेके और पैगंबरों से लेके अब तक के बहुत ही बढ़िया सिस्टम रहा है। और वास्तव में मानिए तो त्यौहार, हर एक त्यौहार कुछ ना कुछ अच्छा लेके आता है, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे लोहरी हो, चाहे क्रिसमस हो। भारत में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, हिंदू का हो, मुस्लिम भाई का हो, सिख का हो, ईसाई का, किसी का भी हो, कोई भी त्यौहार हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें गलत काम करने की प्रेरणा देता हो। कोई भी धर्म, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी किताब बता दीजिए, कोई ऐसा ग्रंथ बता दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि गलत कामों को श्रेय दिया जाता है इस धर्म में। ऐसा अभी तक मेरी जो नॉलेज में, इतनी जितने भी किताबें मैंने पढ़ी, जितना भी मैंने ज्ञान लिया, उस किसी भी उसमें किताब में, किसी भी सिस्टम में, किसी में धर्म में ऐसा नहीं किया गया कि आप किसी भी गलत काम करिए। और मैं तो इस जो समय चल रहा है, इससे भी पहले भी जो समय रहा है, उसमें प्यार, मोहब्बत, इखलाक, आपसदारी का जो रोल रहा है, जो वादा रहा है, जो अनुभव रहा है, जो एहसास रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है कि वाकई में हम लोगों के पूर्वज जो रहे हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ में सभी बच्चों को, सभी लड़के लड़कियों को रखते थे। क्यों? और एका था, लेकिन पैसा तब नहीं था। मैं बात को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, मैं आपको बताने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि पैसा नहीं था, लेकिन प्यार था, मोहब्बत थी, इखलाक थी। आजकल का दौर देख लीजिए, 2021 में है ना आप लोग, आज का दौर देख लीजिए कि घर में पांच लोग, दो बेटे, माँ बाप प्लस बहन, पांच लोग, पांच मोबाइल, घर में ये नहीं पता है कि राशन लाना है, बिजली का बिल कितना है, कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या है। अरे एक पास जब टेबल पे खाने पे बैठते हैं तो मैंने देखा है कि सब लोग अपना व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं। मैं मना नहीं करता कि व्हाट्सअप मत चलाइए, एंड्रॉयड फ़ोन मत चलाइए, लेकिन कुछ समय अपनों को भी दीजिए। और ये कब पता चलता है? जब कोई आपका अपना साथ छोड़ जाता है, जब कोई आपका अपना दूर चला जाता है, तब एहसास होता कि फला शख्स होता तो मैं उससे कुछ बातें कर लेता, फला शख्स होता उससे मैं कुछ चार बातें कर लेता, बैठ के बात कर लेता। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन लोगों के माँ बाप, भाई बहन, जितने कोई भी रिलेशन का इस महामारी में चला गया है, या इससे पहले भी मौतें होती रही हैं, तो उसमें एहसास होता है कि वो मेरी बुआ, वो मेरी मौसी, वो मेरे जीजा, जो भी रिलेशन है, जो भी फ्रेंड सर्किल है, अगर मैंने उसको, काश काश मैंने उसको समय दे दिया होता तो कितना अच्छा होता, काश कुछ और बातें कर ली होती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, हम इस आज इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहते हैं आपको। पहले मेरे आने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोगों को बधाई दी जाए, कि आप लोग बहुत प्रेम से रहें, थोड़ा थोड़ा नियमों का पालन करते हैं, बल्कि कोशिश करें 100% नियमों का पालन करें और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की नज़रों से देखें। प्यार मोहब्बत, इखलाक, ये एक ऐसी चीज़ है जो बचपने से शुरू होता है और इंसान के अंत तक के ये काम आता है। तो दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए मैं आया कि आपको ईद की बधाई दे दें। और अभी रक्षाबंधन आने वाला है, बहुत ही मुझे सबसे खूबसूरत जो पर्व लगता है वो रक्षाबंधन लगता है। क्यों? क्योंकि भाई बहन का प्यार ही एक ऐसे बंधन बन जाता है, ऐसे धागे, मजबूत धागे बन जाता है, जो वाकई में इतिहास से लेकर आज तक के बहुत महत्वपूर्ण रहा। चलिए, खैर दोस्तों, दिव्यांगम चैनल की तरफ से, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से, विष्णुकांत मिश्रा की तरफ से, सीमा कमल जी, ऐसे बहुत ही सुधा मैडम, ऐसे विकलांग साथी ट्रस्ट के हर एक पदाधिकारी, नीचे से लेके सदस्य से लेके और नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सभी लोगों की तरफ से मैं आपका, आपको और आपके परिवार को, आपके रिलेटिव को, आपके आसपास के लोगों को बकरीद की दिली मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि अगर आप हैं तभी हम हैं, और आप नहीं तो हम नहीं। लेकिन इस दौर में मैं एक मैसेज दूंगा कि हर एक त्यौहार को ऐसे मनाएं कि जैसे ये हमारा आज का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई त्यौहार हो, ऐसे बहुत से त्यौहार हैं भारत में, तो ऐसे हर महीने कोई ना कोई त्यौहार रहता है। तो दोस्तों, आप ने मेरे वीडियो को समय दिया,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज मैं उस मूड में बात नहीं कर रहा हूँ कि मोटिवेशनल के रूप में बात करूँ और बहुत एनर्जी लगाऊँ। एनर्जी बहुत है लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे जैसे जो रिच काम करना चाहिए वही करना चाहिए। मुझे श्री कमलेश पांडे जी ने बताया है, मेरे गुरु ने श्री विष्णुकांत मिश्रा जी ने बताया है मेरे गुरु ने, कि जहाँ पे जो चीज़ शोभनीय हो उस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आज बहुत जोश और जुनून के साथ में मुबारकबाद देनी चाहिए। मुबारकबाद एक सहनशीलता, एक मुबारकबाद भी हम ऐसे दे सकते हैं कि मुस्कुरा के दे सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा के दे सकते हैं, एक दूसरे के हाथ उठा के दे सकते हैं। मुबारकबाद देने के लिए कोई समय, कोई दिन, कोई निश्चित नहीं होता है। और इससे बेहतर जो बात मुझे लगी कि वो है प्रेम। प्रेम में हमेशा प्रेम में ऐसे ऐसे काम हुए हैं वाकई में, जो एक अर्श से और फर्श के मिलाने का काम हुआ है प्रेम में, और बादल को धूप, बारिश को धूप में मिलाने का एक अनूठा अनुभव है जो आपने कभी कभी आप देखा होगा। तो आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि जो कमियां आज एक हम सब लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से एक आज प्रण ले लें कि हम लोग आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत आपस में मिल के रहेंगे। अगर किसी से गलती हो जाए, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, उसको माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आप बड़े बन जाइए ना, क्या दिक्कत है, बड़े बन जाइए, बड़े बन के कुछ कर दिखाइए। कर दिखाने के लिए हमको शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। प्लीज़, दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप बड़े बन जाइए। आप छोटी छोटी गलतियों को, क्योंकि मन में अगर गांठ बांध ली कोई बात को, किसी चीज़ को लेके, किसी पैसे को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को मन में गांठ बांट ली, बांध ली, तो आपको दिक्कतों के सिवाय कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को शालीनता से, सरलता से समझा और उसको उस पर बात की, बात करने से मशवरे में खैर है ये बात कही जाती है, तो वाकई में अगर आपने अपने घर में पूछ लिया, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें और कोशिश करें, छोटों का बहुत, छोटों को बहुत प्यार दें और बड़ों का बहुत सम्मान करें, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। क्योंकि मर जाने के बाद चार ही लोग ले जाते हैं शमशान घाट में और ईदगाह पे, कब्रिस्तान पे, चार ही लोग ले जाते हैं, लेकिन आपका उस आदमी जो एक्सपायर हुआ है, मेल फीमेल कोई भी, उसके डेड जनाजे से, जो शव यात्रा जिसको कहते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति था, किस प्रकार की ये महिला थी। क्यों? उसके जनाजे से कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं। दोस्तों, आज बकरीद है, बकरीद के मौके पे आप सब लोग एक दूसरे को फ़ोन से बधाई दीजिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए बधाई दीजिए, और एक जगह पे मिलने जाइए, बिल्कुल बेशक मिलने जाइए, नियमों का पालन करते हुए मिलने जाइए। हिंदू भाई मुस्लिम के घर जाए, मुस्लिम भाई हिंदू के घर जाए और मुबारकबाद दे दोनों का। अगर आप मुस्लिम हैं और हिंदू भाई के घर पहुंच गए कि मैं ईद मिलने आया हूं, कितनी खुशी की बात होगी दोस्तों, कितनी खुशी की बात होगी। और हमारा मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और ईद मुस्लिम के घर आ जाता है कि आ जाओ मैं तुमसे ईद मिलने आया हूँ, हाथ फैला के, बाहें पसार के, मैं तुमसे ईद मिलने आया हूँ, तो वाकई मानिए उसका चौना 36 इंच का हो जाएगा, 56 इंच का हो जाएगा, भूले नहीं समाएगा कि आज वो घर कैसा भी हो, कच्चा हो, पक्का हो, एसी लगी हो, नॉन एसी हो, कैसा भी घर हो, लेकिन मानव अच्छा होना चाहिए। क्योंकि घर तो बहुत अच्छे हो जाते हैं लेकिन मानवता लाना हम भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए, मैं बहुत बात को लंबा, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ मुबारकबाद देने का मन किया, तो मैंने कहा श्री विष्णुकांत मिश्रा सर से कि क्या, क्यों ना इस पे दो लाइन में बोल दूं, क्यों ना मैं 10 मिनट अपने लोगों का फिर से याद कर लूं, क्योंकि हफ्ता भर मुझे बहुत लंबा लग रहा था और त्यौहार का मौका मिल गया, तो मैं ऐसे मौके से आपका प्रेम, आपका, आपकी दुआएं मिलने से मैं पीछे नहीं रखूंगा। आप कमेंट में लिखे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने आपको मुबारकबाद दी है, अगर आपको लगे वाकई में कि मैंने आपको मुबारकबाद दी है, सच्चे दिल से दी है, कोई बनावटी नहीं, कोई पढ़ के नहीं, कुछ देख के नहीं, आपको सच्चे दिल से लगे कि मैंने आपको मुबारकबाद दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ईद मुबारक, जो भी आपके पास शब्द हों, शालीनता के शब्द हों, अच्छे शब्द हों, वो सब लिखिएगा। इसलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अलविदा कहता हूँ, और मैं संडे को आपसे बिना किसी संकोच के, बिना समय के ख़राब किए हुए, मैं आपको संडे को पूरी ऊर्जा के साथ में मैं मिलूँगा, पूरी तैयारी के साथ में मिलूँगा, पूरा अपडेट होके मिलूँगा। इसलिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं संडे को, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बाय बाय दोस्तों।